या बातमीचे प्रायोजक आहे उमामा फैशन बीजापुर में सोलापुर। अपने खुद के लिए मोबाइल लेने के लिए पैसे नहीं देने के कारण मुकरी सालार ने धारदार शस्त्रों से इस्माइल शेख इनको जबर मारहान की। ऐसी फिरियाद जोड़बाई पेट पुलिस थाने में दाखिल होते ही भारतीय दंड कलम 395-397 और आर्म एक्ट 4/25 के अनुसार मुकरी सालार और सालार बंधुओं पर कल गुना दाखिल किया गया था। ये गुना दाखिल होते ही मुकरी सालार ने बताया है कि इलेक्शन के सामने कुछ बड़वे लोग मेरे साथ ऐसा खेल खेलते हैं। ईमान वाले अगर ये होंगे तो अल्लाह को मुंह दिखाना है, सच बोले। इस बात को लेकर हमरी तुमरी जरूर हुई थी, लेकिन जो कुछ इस बताया जा रहा है मारपीट तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, ऐसा मुकरी सालार ने खुलासा करते हुए एक वीडियो जारी किया है। आइए देखते हैं मुकरी सालार ने अपने पर गुनाह दाखिल होने के बाद क्या कुछ कहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुकरी सालार। आज हमारे इस्माइल भाई नसरुद्दीन शेख उर्फ अन्ना और उनके भाई डब्लू वसीम, आज जो मेरे नाम पर, मेरे भाई के नाम पर जो कम्प्लेंट दिए, तलवार दिखाए, बंदूक लगाए और 46,000 रुपये कार्ड को लिए, अल्लाह का फजल व करम है, मुकरी सालार कौन सी चीज़ का मोहताज नहीं है। पहली बात, झगड़ा किस लिए हुआ, क्यों हुआ, इसका खुलासा मैं करूँगा। सलीम मुजावर एक बारसी की पार्टी थे, उनके पैसे देने का था, उसके पास वो फोर व्हीलर थी। फोर व्हीलर लेने के बाद सलीम मुजावर गए शक्करपेट पुलिस चौकी को, तो मैं वहाँ जाने के बाद हमारी उम्र तुमरी हो गई, ये विषय क्लोज हुआ था। तो 1.5 लाख रुपए देने की बात थी, ये बात इस्माइल अन्ना ने मेरे को बोला था कि 1.5 लाख रुपए लेते वो ले वो पैसे लेकर ख़त्म कर मैटर, उनका हो गया, ये तेरे पैसे लेकर कर ये बात बोले थे। तो ये मैटर होने के बाद में मेरे परिवार सलीम मुजावर के पास से इस्माइल अन्ना कितने पैसे लिया अब वो उसको मालूम, और उनका चावल का धंधा, मेरा क्या सम्मान उसमें, इम्तियाज शब्दी भी है उसमें, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं कुछ भी, मेरा उसमें कुछ ताल्लुक नहीं है। और झगड़े में कौन थे, मैं था, मेरा भाई मोहसिन सालार तो तड़ी पार है, नाजिम सालार था और मैं था, और हमारा टेपू था फैसल का, मोहसिन भाई का, जो दोनों भाई मेरे तड़ी पार है उनका भी नाम ले रहे हैं। अरे अगर तू ईमान वाला है, तू सच्चा मुसलमान है, चल अल्लाह के घर में ठहर कर बोल, तू मुझे 45,000 रुपये दिया, और अगर ईमान वाला है, अगर सचमुच में तू मुसलमान है तो अल्लाह के घर में आपको ठहर, मैं भी अभी 10 मिनट में कहाँ बोलूँगा मैं आता। तो अगर मेरे को पैसे दिया, मेरे को मोबाइल दिलाया, कितनी झूठ बात रे, ईमान वाले रे, अल्लाह को मुंह दिखाने गए रे, मुकरी सालार पूरे लोगों को मालूम है मैं क्या चीज़ हूँ क्या नहीं है। ये जो थोड़े कुछ लोग तेरे को बोल को जो कर रहे और तू उनका शिक को कर रहा, मेरे को कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। तुम कितना भी क्या भी करो, आवाम को मालूम है, मेरे नौजवानों को मालूम है मैं क्या हूँ, पर ये जो कर रहे ये आइन इलेक्शन के सामने कुछ दल्ले बड़वे मिलकर जो कर रहे ना तुम मेरे साथ में, क्या अभी फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह का फजल करम है। और यहाँ का जो पुलिस से मैं दर मंदा गुजारिश कर रहा हूँ, वहाँ का सेंट्रल हॉस्पिटल का फुटेज देखो, लीडर होटल के सामने जो मेडिकल है वहाँ का फुटेज देखो, वो लोग कितने आए थे, मैं कितने जनता, मैं अकेला था, बाकी के आकिब मुल्ला, शहीद काजी, ये सब लोग थे, ये सब लोग छुड़म छुड़ी कर रहे थे, और वो ऐसा झगड़े का प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। मैं जाने के बाद वोच मेरे साथ में लड़ा, वोच दावा दावी करा, वोच गाली गलौज करा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं बोला होता, क्योंकि मेरी माए का, मेरा बापे का, अगर मैंने कुछ किया तो मैं बोला होता। और जो दोस्तों के साथ उठता बैठता, ना तू आकिब मुल्ला का सुना, तू गलत कर रहा मत कर बोले तो, ना जुबेर बागवान का सुना, ना सोहेल कुरैशी का सुना, ना शाहिद काजी का सुना, ना समीर ताजमत का सुना, ना हमारे भाई यूसुफ सालार का सुना, किसी का भी नहीं सुना। तू खाली पैसे का है, और तेरे पास 45,000 रुपये थे बोल रहा, तेरे को 2-3 दिन पहले ना 2,500 रुपये मैं देकर गया लीडर होटल में, ये लीडर होटल के अगर फुटेज में रहेगा तो इंशाल्लाह वो कार्ड को आवाम के सामने लूँगा। हाँ, और तू मेरा काम आकर पहले का वीडियो ऐसा करे सो फोटो वीटू दिखा रहा, हाँ ये अच्छी बात नहीं है। अगर तू ईमान वाला है सच्ची, अगर तू नसरुद्दीन चाचा की औलाद है तो अल्लाह के घर में ठहर, मैं भी ठहरता, तू भी ठहर, तू बोल मैं तेरे साथ गलत कर रहा है कि तू मेरे साथ गलत कर रहा है। हाँ, तू किसी का नहीं सुना, तू जो साथ में उठते बैठते बचपन के दोस्त था उनका नहीं हो सका, तू हमारा क्या वींगा, कितने जन कितने प्यार से समझे तुझे, गाजी जागीरदार समझा है,
और मेंबर गाजी जागीरदार इफ्तिखार तुर्जापुरे अल्ताफ बहुत जन समझे तेरे को, फिर भी तू नहीं समझा, तू नाहक कर रहा, मुकरी के साथ गलत कर रहा। ये अगर इतने लोग में भी इतने लोग ये आवाम को समझ ना करके बोल रहा मैं, इतने लोग रहने के बाद भी उन्हें नहीं सुना उसके दिल की कराया। एक ईमान वाला है तो इन्हें आन दे, ये जितने लोग थे इनको भी मैं बुलाता हूँ, इन्हें भी आन दे, अल्लाह के घर में ठहर को बात करन दे। और मेरे हाथ से गलती भी तो मैं एक्सेप्ट करता, अगर गलती नहीं भी तो एक्सेप्ट नहीं करता। मैं किसी के बाप को डरने वाले में से नहीं हूँ, इतनी बात याद रख, मेरे साथ जो करे गलत करे। और मैं पुलिसों से दर्द मंदा गुजारिश कर रहा हूँ, ये केस के हद तक मैं बहुत दूर तक जाऊँगा, मैं एक एक फुटेज काटूँगा, एक एक रिकॉर्डिंग काटूँगा, मैं सबका क्या बोले वो करूँगा। पुलिस से मैं दर्द मंदा गुजारिश कर रहा हूँ, मैं अच्छे लाइन को लगाऊँ, मैं सुधराऊँ, मेरे को सुधरने वाले को मौका दो और चांस दो। अगर बिना मतलब के ऐसा अगर तुम करेंगे, एक गुनहगार लोगों का धंधे पानी करने वाले लोगों का अगर तुम साथ देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं करण कोटे साहब उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते तुम ये दिल से लेकर तुम पूरा तपास अच्छे से करके गुना दाखिल करिए। रेडीमेड कापड क्षेत्र अग्रेसर एकमेव नाव म्हणजे उमामा कलेक्शन, बच्चों से लेके बड़ों तक एक ही चॉइस उमामा फैशन। आमच्या इथे जीन्स टी शर्ट्स ट्राउजर्स शर्ट्स पैंट्स जैकेट्स आदि वरायटीज उपलब्ध। तसेच दिवाळी होळी रमजानी बकरी ईद आंबेडकर जयंतीची ही शॉपिंग करा। आमच्या ग्राहकांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादानंतर उमामा फैशन मक्का मस्जिद शेजारी बिजापूर वे सोलापूर। संपर्क 9921037094।